नमस्ते। चलिए, आज छुट्टी का दिन है। आप लोगों ने सोचा होगा कि परिवार के साथ कुछ समय बिताएंगे। शायद आप लोगों ने कोई छोटे मोटे कार्यक्रमों की रचना भी कर दी होगी, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप लोगों से थोड़ी गप्पे गोष्ठी कर लूं। और मेरे लिए खुशी है, मैं विशेष रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह का और पार्टी के पदाधिकारियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज सभी विधायक और सभी एमपीज के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। एक जनप्रतिनिधि के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम विपक्ष में रहे तो एक सजग प्रहरी के रूप में काम किया और एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के रूप में हम सबको काम करने का अवसर मिला। और जब हम आज देश की जनता ने हमें सत्ता के माध्यम से सेवा का अवसर दिया है, तो उसमें हमारी विपक्ष में जो तपस्या है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि हम आज इसलिए नहीं जुटे हैं कि कांग्रेस ने गलतियां की, उसका हमें फायदा मिल गया। आज हमें इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम लगातार जनता से जुड़े रहे हैं। हमारा पंचायत प्रधान हो, पंचायत का सदस्य हो, नगर पालिका का प्रधान हो, नगर पालिका का सदस्य हो, एमएलए हो, एमपी हो, हम लोगों की आदत रही है जनता के साथ जुड़े रहने की। आपने देखा होगा हमारे जो विधायक पांच पांच सात सात नौ नौ बार जीत करके आते हैं, एक ही सीट पर से जीत करके आते हैं। अगर उसकी बारीकी से नजर देखेंगे तो ध्यान में आता है कि वो अपने क्षेत्र में कोई भी सुख दुख की घटना ऐसी नहीं होगी कि वहां वो पहुंचते नहीं होंगे। पारिवारिक नाता बना देते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, वैचारिक परिवार के साथ, सहमना लोगों के साथ बहुत ही निकट संबंध होता है। मैंने कई अपने ऐसे विधायक देखे कि जो कभी पत्रकार वार्ता नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन मीडिया के लोगों के साथ बहुत उनका गहरा संबंध रहता है, उनके सुख दुख के साथ ही रहते हैं वो। तो एक सफल विधायक के लिए सरकारी कामों को नीचे तक पहुंचाना और जन सामान्य की समस्याओं को ऊपर तक ले जाना, ये हम लोगों का दायित्व रहता है। और आज हम जहां पहुंचे हैं, हिंदुस्तान में किसी एक दल के सबसे ज्यादा विधायक हो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और पुराने सारे मिथ खत्म हो चुके हैं। पहले तो ये माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ने बनिए ब्राह्मण की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने शहरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी एक उत्तर भारतीय पार्टी। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इस देश के सबसे ज्यादा दलित एमएलए एमपी किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग चुन करके आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। ओबीसी, सबसे बड़ा ओबीसी चंक के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सीनियोरिटी के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी, एजुकेशन के हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा देश के जो एस्पिरेशंस है उसका प्रतिनिधित्व किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है और हमारा काम है कि हम गरीब से भी जुड़े, अमीर से भी जुड़े, रोजगार तलाश रहे से भी वालों से जुड़े, रोजगार देने वालों से भी जुड़े। जितना व्यापक जनसंपर्क होता है
उतना लाभ होता है। दूसरा, जब हम सरकार में होते हैं तो जो शासन व्यवस्था होती है उसका सर्वाधिक उपयोग लार्जर इंटरेस्ट में कैसे हो। कभी कभी एकाध इंडिविजुअल व्यक्ति कितना ही सच क्यों न हो, लेकिन अगर उसका मुद्दे को लेकर के हम चल पड़ते हैं तो कभी कभी शासन व्यवस्था के साथ टकराव आ जाता है। लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अगर हम कामों को हाथ में लेते हैं तो आपने देखा होगा कि सरकारी मशीनरी भी बड़े उत्साह के साथ हमारे साथ दौड़ती है। लेकिन किसी एक इंडिविजुअल का मुद्दा लेकर के अड़ गए तो फिर दोनों तरफ से टकराव पैदा होता है। और ये मैं मानता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफी एक मैच्योरिटी आई है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कड़वी लगती हैं लेकिन बोलना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता मीडिया ऐसा करता है, मीडिया वैसा करता है, मीडिया हमारे साथ नहीं, इस प्रकार की बातें ज्यादा करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम ही कुछ गलतियां कर करके मीडिया के लोगों को मसाला दे देते हैं? हम जैसे बहुत बड़े समाजशास्त्री हो, बड़े विद्वान हो, हर समस्या का बहुत बड़ा एनालिसिस करने के लिए जैसे ही कोई कैमरा वाला सामने मिल गया तो हम निकल पड़ते हैं बोलने के लिए, और फिर वो उसमें से आधा अधूरा वाक्य काम का है तो उपयोग करेगा। तो मीडिया का दोष नहीं है, हमें अपने आप को संयम में रखना पड़ेगा। हर चीज पर जिसको बोलने की जिम्मेवारी है उसी को बोलना चाहिए। अगर हर कोई बयानबाजी करता रहेगा तो इश्यू बदल जाते हैं, देश का भी नुकसान होता है, दल का भी नुकसान होता है और हमारी व्यक्तिगत छवि का भी नुकसान होता है। तो मैं जरूर, जब आज मेरे साथी एमएलए और एमपी से बात कर रहा हूं और मैंने देखा है कि जब नए नए हमारी लोकसभा बनी तो हमारे 8-10 एमपी थे, बहुत उनको बोलने की आदत थी, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो मैंने देखा कि पिछले 3 साल में उन्होंने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की और उसके कारण पार्टी को कोई नीचा देखने की नौबत नहीं आई। और इसलिए आप मीडिया को दोष मत दीजिए, मीडिया अपना काम करता है, हमारा काम है कि हम हर चीज में उलझे नहीं, राष्ट्र को मार्गदर्शन करने के लिए टीवी के सामने खड़े ना हो जाएं। जिसकी जिम्मेवारी होगी वो जरूर बताएंगे, वो बोलेंगे। साथियों, आपको पता होगा कि अभी झारखंड के चुनाव के नतीजे आए हैं। मैं झारखंड के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव थे, स्थानीय निकायों के चुनाव थे और मेरी जानकारी है 80% भारतीय जनता पार्टी को गांव में विक्ट्री मिली है, छोटे छोटे नगर में विक्ट्री मिली है। और झारखंड में इतने वर्षों से सत्ता में रहने के बाद सामान्य मानवी का विश्वास जीतना बहुत ही संतोष की बात है। मैं झारखंड के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं और साथियों, मैं आपको भी बधाई देने के साथ साथ झारखंड की जनता को भी बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने विकास में विश्वास रखा, तत्कालीन लाभ के बजाय स्थायी समाधान के रास्ते को चुना और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला है लगातार जन समर्थन हमारा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हमारा काम जन समर्थन मिल गया इसलिए बस चलो अब बहुत हो गया, जी नहीं, हम सिर्फ सत्ता पर पहुंच जाने के लिए जनसंपर्क है वो लोग नहीं है, हम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पद का उपयोग, व्यवस्था का उपयोग, इसको करना चाहते हैं। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम इन कामों को करें। मुझे खुशी है कि मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पिछले दिनों कई लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला, आज मैं एमएलए एमपी से बात कर रहा हूं। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे आपको कुछ कहना है, सचमुच में तो बहुत सी बातें मैं आपसे सीखता हूं, क्योंकि आप धरती से ज्यादा जुड़े रहते हैं, मेरा उतना नीचे जाने का अवसर मुझे कम मिलता है, आपके माध्यम से मुझे जनता की आवाज का पता चलता है और इसलिए मैं टेक्नोलॉजी से आपसे जुड़ता हूं। लेकिन आप सोचिए,
जिस टेक्नोलॉजी से मैं आप तक पहुंचा हूं वो टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल में भी है। क्या आपके विधानसभा क्षेत्र के 2000-3000 ऐसे मजबूत कार्यकर्ता हैं जिनको आप इसी टेक्नोलॉजी से, जैसे मैं बात करता हूं, आप भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा आसमान का साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा है, आप भी कर सकते हैं। और आप आदत डालिए कि भाई हर मंडे को या हर संडे को या हर सैटरडे को आप किसी एक सप्ताह सभी महिला कार्यकर्ताओं से, कभी एक सप्ताह सभी युवा कार्यकर्ताओं से, कभी एक सप्ताह सभी किसान कार्यकर्ताओं से, कभी एक सप्ताह अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ताओं से, अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं से ऐसे संवाद की आदत डालिए। आप देखिए आपको इतना लाभ होगा और आपके काम को भी वो सराहेंगे। मैं तो चाहूंगा, मैंने एमपीज को कहा है कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट उसके ट्विटर फॉलोअर 3 लाख से ज्यादा होंगे और अगर वो चाहता है कि मैं उसके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए 10-15 मिनट निकालूं, तो मैंने वादा किया है मैं निकालूंगा। रात को 12 बजे भी बैठूंगा, सुबह 10 बजे भी बैठूंगा, जब भी मौका मिला मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो सौभाग्य है मेरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का। लेकिन ये तो शर्त रहेगी कि आपको अपने फॉलोअर बढ़ाने होंगे और मैं मानता हूं कि आपने अपने फॉलोअर बढ़ाएंगे तो बहुत लाभ होगा। आप देखिए आपके परिवार के लोग भी अभी इस फोन पर बैठे होंगे, आपके परिवार को भी लगता होगा चलो भाई आज तो मोदी जी हमारे घर में आकर के हमारे साथ टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। कितना आनंद होता है, क्योंकि हम एक परिवार है, हम सुख दुख के साथी हैं, हमें इन बातों को आगे बढ़ाना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जरूर करें। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने एक फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप किया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैंने पूछा था कि बताओ भाई 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम कैसा रहा। मुझे इतना आनंद हुआ, इतने सारे अपने एमएलए एमपी ने कार्यकर्ताओं ने मुझे फीडबैक दिया है, मुझे इतनी जानकारियां मिली जो सामान्य से मुझे नहीं मिल सकती थी, तो मुझे इसके कारण जानकारियां मिली है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी ये जो मैं आपको कभी कभी फीडबैक के लिए सवाल भेजता हूं उन सवालों के जवाब जरूर दीजिए। आप आदत डालिए, ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, आप आराम से कर सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन चीजों को दीजिए। इन फीडबैक के कारण मुझे भी समझ आता है कि कहीं कोई कमी रह गई तो इतनी बड़ी सरकार है तुरंत करेक्ट कर सकते हैं, और ये आपकी मदद से कितना बड़ा देश को लाभ हो सकता है। आप देखिए जीएसटी में लगातार हम सुधार क्यों कर पाए, सुधार इसलिए कर पाए कि हमारे कार्यकर्ताओं ने व्यापारी आलम के साथ बैठकर के जानकारियां दी। अब देखिए हम बीम ऐप की बात करते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, ये देशभक्ति का ही एक काम है, देश सेवा का काम है। हम जितना इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैश में से देश को मुक्त कराने का अभियान चलाते हैं, और जिस पार्टी के पास इतना बड़ा संगठन हो वो क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है? आप मन में ठान लीजिए आप कर सकते हैं। एक पोलिंग बूथ में अगर आपके पास 5 कार्यकर्ता हो जो बीम ऐप से ही कारोबार करते हैं, आपको कल्पना है देखते ही देखते आपकी कितनी बड़ी ताकत बन जाएगी, देश की कितनी बड़ी सेवा होगी। तो आप इसको करिए, मैं आपसे आग्रह। देखिए हमारा ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है, मुझे खुशी है कि जहां पर दलित और अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे परिवार रहते हैं और 1000 से ऊपर की जनसंख्या है, ऐसे करीब 20,000 गांवों में हमारे एमएलए रात को रुकने जा रहे हैं, हमारे एमपी रात को रुकने जा रहे हैं, हमारे राज्यों के मंत्री रात को रुकने के जा रहे हैं। वे जो मुझे जानकारियां दे रही, इतनी आनंददायक जानकारियां दे रहे हैं, कभी कभी इतनी मन को प्रसन्नता देने वाली देते हैं। बस सचमुच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये जो 14 अप्रैल से 5 मई का कार्यक्रम सर पे उठाया है, बहुत बड़ी सेवा होगी और बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, समाज को लाभ होने वाला है। अच्छा एक बड़ा बीड़ा उठाया है सरकार की, एक आपने देखा होगा सरकार को आदत क्या है, खास करके भारत सरकार को, एक योजना घोषित कर देना, एक नीति बना देना, एक कानून बना देना, एक नियम बना देना, उनको बस इसी में आनंद आता है। लेकिन कभी सरकार देखती है कि नीचे जाता है कि नहीं जाता है। इस बार हमने 20,000 गांव छांटे हैं जो 1000 से ऊपर की बस्ती के हैं,
और उसमें 50% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समाज से रहने वाले लोग हैं। इनके विकास को हमने इसलिए करना है कि देश को आगे बढ़ाना है तो समाज के जो आखिरी छोर के व्यक्ति हैं उनको ही आगे बढ़ाना होता है। और इन 20,000 गांवों में 5-7 समस्याएं हाथ में ली है। क्या एक बार पूरी सरकार इसको पर, आपको आपको जानकर खुशी होगी, मैं सिर्फ आपको दौड़ा रहा हूं ऐसा नहीं, भारत सरकार से 1,000 अफसर IAS कैडर के अफसर इन दिनों हर जिले में 2-2 अफसर गए हैं। 500 जिलों में 1,000 अफसर जाकर के बैठे हैं और वे इन 20,000 गांवों में हर घर को सौभाग्य योजना का फायदा मिले, हर घर को उज्ज्वला योजना का लाभ मिले, इंद्रधनुष के द्वारा टीकाकरण का काम 100% हो जाए, जनधन अकाउंट में अभी भी कोई बचा होगा तो उस परिवार को जनधन अकाउंट हो जाए, हमारे इंश्योरेंस का लाभ, और मैंने देखा है कुछ परिवारों ने 12 रुपया का इंश्योरेंस लिया और परमात्मा की मेहरबानी नहीं रही उस परिवार पर, महीने 2 महीने में कोई घटना घटी, तुरंत उस परिवार को 2,00,000 रुपया मिल गया। आप कल्पना कर सकते हैं गरीब परिवार में आपत्ति के समय 2,00,000 रुपया पहुंच जाना कितनी बड़ी बात होती है। ये सारे काम इस 14 अप्रैल से 5 मई के तरफ करने वाले हैं। मुझे छत्तीसगढ़ में जाने का अवसर मिला और नक्सलों के एकदम जो बहुत बड़ा केंद्र बिंदु माना जाता था वहां पर विकास में लोगों की रुचि देख करके मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। वहां के हमारे विधायक, वहां के हमारे मुख्यमंत्री, हमारे MLA इतनी मेहनत करके उस कार्यक्रम को सफल बनाया और मैंने देखा सरकारी मशीनरी को भी एक ऐसा आत्मविश्वास आ गया कि हम भी अब ये जो इतने दिनों से ये बम बंदूक और पिस्तौल की दुनिया से निकल करके पैड लगाना, मोबाइल टावर लगाना, सड़कें बनाना, टॉयलेट बनाना, अब उसका हिसाब किताब करने लग गए हैं। देखिए किस प्रकार से समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति को मदद मिलती है। आप देखिए अभी जिस दिन हमने एक LPG पंचायत का दिन रखा था, ये 14 अप्रैल से 5 मई के कार्यक्रम में, और तय किया था कि मैक्सिमम LPG कनेक्शन, गैस कनेक्शन कैसे दें। मुझे जो जानकारी मिली है 15,909 यानी करीब 16,000 गांवों में LPG पंचायत हुई और मुझे मोटी मोटी जानकारी है कि करीब 45 से 50 लाख की तादाद में LPG पंचायत में खास करके लाभार्थी महिलाएं, उनके परिवार के लोग उसमें जुड़े, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। वहां हमारे विधायक पहुंचे, हमारे MP पहुंचे और मुझे बताया गया कि एक दिन में करीब करीब 11 लाख नए गैस कनेक्शन मुफ्त में दे दिए गए।